on agriculture previous year questions now if you are uh, you know watching the lecture for the first time you are watching me for the first time then you might be confused ki sir aapne likha hai ki lecture number 8 to pehle saat lecture kahan gaye kon kha gaya unhe तो पहले सात तो lectures भी बेटा आपके available हैं लेकिन पहले जो सात lectures आपके हुए थे they were taken on your यू नो द डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट चैनल के ऊपर लिए गए थे जो आपका बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स चैनल है उसके ऊपर वो लेक्चर्स लिए गए थे तो पहले सात लेक्चर्स आपको वहां से आपके मिल जाएंगे ओके सो बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स चैनल डिस्क्रिप्शन में शायद अभी लिंक डला नहीं हुआ है तो मैं डलवा दूंगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ठीक है uh, लेकिन अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे तो बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम चैनल अगेन अन का ही ये चैनल है इसके ऊपर जाकर के आपको मेरे बाकी के सेवन वीडियोज़ जो हैं वो भी दिख जाएंगे और राइट सो यू कैन फाइंड दोज लेक्चर्स फ्रॉम देयर इट सेल्फ ओके सो लेक्चर एट है हर लेक्चर में हम कुछ पाँच छः सात क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अल्टीमेटली एंड उनको समझते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं कि कैसे आगे चल करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आप सब जानते हैं कि आई बी पी एस एफ होगा पेपर आपका जनवरी के अंदर मेन जोन है तो तैयार हमें रहना है डेली ये लेक्चर्स होंगे आपके इसी टाइम के ऊपर एंड डेली बेसिस पर हम देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को ताकि अल्टीमेटली बाय द टाइम वी रीच जनवरी 15 ट्वेंटी जनवरी तक जब तक हम पहुंचेंगे हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आई बी पी एस ए एफ ओ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन और भी पेपर्स के क्वेश्चन इसके अंदर एडअप किए जाएंगे सो so ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई बी पी एस ए एफ ओ के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और भी सब्जेक्ट्स के और भी पेपर्स के यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे ताकि क्योंकि जो एग्रीकल्चर का बेटा पेपर होता है ना जो जनरलाइज पेपर होता है एग्रीकल्चर का जो बाकी के एरियाज़ में भी आपको दिखता है चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आई एस का पेपर हो ठीक है या जो अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं तो सब में कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं तो उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है नाउ बिफोर स्टार्टिंग फॉर टूडेज़ लेक्चर आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर कि कल से हमारे वेरियस बैचेज़ शुरू हो रहे हैं बैंक प्लेटफॉर्म के विच विल बी यू नो टॉक टू यू बाई वन ऑफ़ द बेस्ट टीचर्स इन द इंडिया अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वन ऑफ़ द बेस्ट टीचर्स आपको अन अकेडमी के ऊपर मिलते हैं वेरियस बैचेज हैं चाहे वो एस बी आई पी ओ हो आई बी पी एस पी ओ हो ठीक है आपके प्रैक्टिस बैचेस हों एडवास्ड बैचेस हों तो सारे बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं सो वो सब आप यूज़ कर सकते हो एंड अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बेटा आप मुझे जरूर फॉलो करें आप अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाएं अभी हम एक स्पेशल क्लास करके हटे हैं टू आवर्स की जिसके अंदर आज हमने नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस किया था जो अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और की जो स्पेशल स्पेशल लाइव क्लासेस क्लासेस होती हैं मैं आपको बता दूं कि दे आर फ्री ठीक है कमी और जो आपके प्लस एजुकेटर्स हैं जो आप वो ही आपके ये फ्री क्लासेस भी लेते हैं तो डेफिनेटली इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें एंड आपको बहुत अच्छा एक आ, जो है इंटरक्शन जो है वो इन फ्री क्लासेस के अंदर आपको पता चलेगा कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आपको किस टाइप का आ, जो इंटरक्शन है वो अल्टीमेटली प्रोवाइड करता है तो काफ़ी मजेदार क्लासेज होती हैं आज रात को मेरी नाइन पर भी क्लास होगी यू जस्ट हैव टू गो ऑन द अन अकेडमी लर्नर्स ऐप और वहाँ जा के आपको केतन गर्ग सर सर्च करना और आपको वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा वहाँ पर स्पेशल फ्री क्लासेस इतना सारा मटेरियल है मेरा फ्री वाला कि आप उसको देखोगे तो आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है ठीक है और ये आज का डाउट फीचर है बेटा एक अन अकेडमी का अन अकेडमी की ऐप अगर आपके पास है तो अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड करते हो उसमें आप जाते हो तो वहाँ पर आप एक डाउट एंड सल्यूशन का आपको बटन दिखेगा उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर फिर वो आज का डाउट का एक स्क्रीन आएगा वहाँ पर आपको अपना डाउट को अपलोड करना है फोटो क्लिक करके आप डाउट को अपलोड कर सकते हो एंड फिर उसके लिए आपको वीडियो सोल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे यहाँ पर हर संडे बैंक मेगा कॉम्बेट्स भी होते हैं जिसके विनर्स को स्कॉलरशिप और गिफ्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं अब अन अकेडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जो है वो ले सकते हो जिसके अंदर प्लस के बेनिफिट्स तो होते ही हैं उसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग में और लाइव क्लासेस के अंदर एक हमारा रेज अ हैंड फीचर होता है रेज हैंड फीचर के अंदर क्या होता है यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द टीचर इन द लाइव क्लास जैसे आप फोन कॉल पे बात करते हो ना वैसे ही आप लाइव क्लास के अंदर डायरेक्टली टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है ठीक है अन अकेडमी की जितनी भी सब्सक्रिप्शन हैं आप उनको ले सकते हैं ई एम आईज के ऊपर भी जो कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री ई एम आई होती हैं एंड आज लास्ट डे है बेटा बैंक की अगर एक साल की सब्सक्रिप्शन लोगे आज चार महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे दो साल की लोगे आठ महीने सिमिलरली सी एट कॉम्बो ऑफर्स में एक साल की छः महीने दो साल की में बारह महीने बैंक प्लस आरबीआई के भी आपको ये एडिशनल मंथ्स वाले ऑफर हैं तो इनको आप एक्सप्लोर जरूर करें ठीक है एंड फाइनली जो भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो चाहे बैंक चाहे आरबीआई चाहे कॉम्बो चाहे एस चाहे डिफेंस हर जगह पर आप एक कोड यूज करें के गर्ग फोर रेफरल कोड जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर ये रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर के गर्क फोर रेफरल कोड लगा दें के जी ए आर जी फोर एंड अल्टीमेटली आपको मिनिमम टेन परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है मिनिमम दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेवेंटी एट हंड्रेड का कोर्स खरीद रहे हो या वन थ्री फाइव जीरो का खरीद रहे हो कितनी भी वैल्यू का हो दस परसेंट ऑफ मिनिमम मिलेगा ठीक है चलो शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके सामने है टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज गिवन बाय इनमें से किसने आपको माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है दिस टर्म हैज बीन गिवन बाय हुम हु इज सेट टू हैव गिबाइलॉजी ऑप्शन ए जूलियस रिचर्ड पेट्री ऑप्शन बीस ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉच ऑप्शन डी एंटोनीक और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड अगेन मैं वही चीज बताना चाहूंगा जैसे यूट्यूब पर यूट्यूब इज नॉट अ स्पेशाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन टीचिंग गाइस बट अन अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म है टीचिंग के लिए ठीक है तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जब हम इस तरह से ला, आ, स्पेशल लाइव क्लास में एमसीक्यूज करते हैं तो वहां पर हम पोल क्रिएट कर देते हैं ठीक है और उसमें फिर बच्चे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं फाइनली यू कैन ऑल्सो सी कि, कि, कि किसने कितने सही आंसर्स दिए तो अल्टीमेटली कॉम्पिटेटिवनेस क्रिएट करने के लिए वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है तो प्लीज इसके अंदर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है ऑप्शन ए बी सी और डी ये एक कंफ्यूजिंग uh, क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए काफी uh, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं करोगे और काफी बच्चे इसका आंसर अल्टीमेटली ऑप्शन डी लगा जाते हैं बट इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी लुइस पैश्चर जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी ये माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दी थी बेटा ये माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी थी आपको आपके लुइस पैस्चर ने बट अगर मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा होता दैट हु इज नोन हु इज नोन एज द फादर हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ठीक है अगर मैंने क्वेश्चन टर्म किसने दी ये ना पूछ करके ये पूछ लिया होता कि फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी का बेटा आई 2012 में सवाल पूछा जा चुका है ठीक है 2012 AFO में सवाल ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है ठीक है तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस पैश्चियर सॉरी हु इज नोन एज द फादर में आपका हो जाएगा एंटनी वेन लुएन लेकिन अगर टर्म किसने दी पूछा जाएगा तो होगा तो इस तरह के ऑप्शन के यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन आप हो सको देखो हमारा काम है आपको अभी कंफ्यूज करना जितना हम आपको कंफ्यूज अभी कर पाएंगे उतना आप अल्टीमेटली अपने आप को बचा पाओगे पेपर के अंदर ठीक है पेपर के अंदर आप उतना ज्यादा अपने आप को सेव अल्टीमेटली कर पाओगे और यही हमने अल्टीमेटली ट्राई करना है कि मैक्सिमम आप डॉज कर पाओ जो ट्रिक देखो अल्टीमेटली एग्जामिनर ट्रिक्स के ऊपर चलता है ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हर बार वो अलग से आपसे पूछ लेगा या बहुत कुछ अलग उसके पास खास आ जाता है ठीक है तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि ट्रिक कहां पर वो खेल रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ डीएनए आर आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज बोथ ऑफ हैव सिमिलर शुगर्स आर डबल स्टैंडर्ड सिमिलर पिरािडिन आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स और नन ऑफ दीज डीएनए और आरएनए के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है सिमिलैरिटी आपको बतानी है कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होती है व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए एन एटा डी एंड आरएनए के अंदर सिमिलैरिटीज क्या होती हैं ओके सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी दैट दे बोथ आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होते हैं ठीक है तो न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले क्या होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स उनको क्या बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है नौ आर और डीएनए ये दोनों पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन्स के अब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है इट कंसिस्ट ऑफ अ शुगर मॉल शुगर मॉलिक्यूल अब इसके अंदर या तो राइबॉस हो सकता है दैट इज आर एन ए या डी ऑक्सी राइबॉस हो सकता है या दैट इज डी एन एंड दिस शुगर मॉलिक्यूल इज बेसिकली अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस तो ये पर्पस इनका बेसिकली होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स को अल्टीमेटली बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सो व्हाट इज देयर बेसिक पर्पस नाउ इफ आई राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है ये अगर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा ठीक है तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ क्वेश्चन फॉर यू और इसमें वो चार ऑप्शंस दे देगा तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है देखो जब मैं कोर्स में भी अपने पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को एग्रीकल्चर मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि जब जो चीज आप पढ़ रहे हो उस पढ़ जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आप ये सोचो कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलिवेंट है ठीक है आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसमें यह देखो कि अल्टीमेटली समझ लिया कंसेप्ट को थ्योरी को समझ लिया उसके बाद उसमें ये देखो कि उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ना पेपर में पेपर तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही क्लियर होगा तो ये इसीलिए चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है डेली बेसिस के ऊपर कि आपका अल्टीमेटली क्वेश्चन कैसे बनेगा ठीक है अच्छा बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रेजेंटली मेरा प्लस कोर्स चल रहा है एग्रीकल्चर का हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हैं जो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेंगे अभी दिसंबर में भी हमारी क्लासेज चलेंगी और जनवरी के अंदर भी एग्रीकल्चर की क्लासेज चलेंगी तो अब इफ़ यू आर अन अबाउट दैट यू कैन ऑलवेज ऑल्सो टेक दैट पर्टिकुलर कोर्स ठीक है बैंक एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो उसमें आपको एग्रीकल्चर का कोर्स मेरा मिल जाएगा यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर केतन गर्ग ठीक है केतन गर्ग आपने सर्च करना है सिर्फ ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन ठीक है क्वेश्चन को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप ऑक्सीजन कंजम्पशन को मेजर कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है एक वाटर बॉडी के अंदर आप बेसिकली ये देख बायोसिंथेटिक पाथवे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायो गैस जनरेशन फर्मेंटेशन या फिर नन ऑफ दी इजी सा क्वेश्चन है दिस इज कॉल्ड संडे ट्रीट क्वेश्चन अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करके जा रहा है ठीक है कोई सीरियस कैंडिडेट है तो मेरे हिसाब से उसका ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए सीरियस कैंडिडेट का क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए जो नॉन सीरियस है टाइम पास के लिए पेपर देने गया उसका तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है उसमें तो हम कुछ uh, कहते ही नहीं है ठीक है सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बेसिकली ठीक है फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोब्स और द डेड मटीरियल ठीक है सबसे पहले इसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ने का कारण है उसको समझो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग तो बेसिकली होता क्या है इफ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है आपकी जो वाटर बॉडी है वाटर बॉडी न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस ठीक है जो भी आपके एग्रीकल्चर लैंड से न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ जा रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर अल्टीमेटली वो वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाएगा न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा एल्गल बूम होगा एलगे पॉपुलेशन विल इंक्रीज अब El, जो एलगे जो एलगल बूम हो रहा है या जो एलगे ग्रो कर रही है अल्टीमेटली दिस एलगल एलगे विल ऑल्सो डाई ओके सो एलगे डाइज अब जब एलगे इज डाइंग देन डेफिनेटली डीकंपोजिशन एक्टिविटी विल इंक्रीज ठीक है, एक सेकेंड ठीक है बेटा अगर एलगे इज डाइंग डीकंपोजिशन रेट विल इंक्रीज ऑल राइट सो इफ डीकंपोजिशन इज इंक्रीजिंग यानी कि माइक्रोब्स जो है अब वो ज्यादा फास्टर स्पीड से डीकंपोज कर रहे हैं ऑल राइट इफ माइक्रोब्स आर डीकम्पोजिंग एट अ फास्टर रेट दे विल लीड मोर oxygen more oxygen is required more oxygen is required for energy and respiration purposes by the microbes ठीक है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इनटेक जो है या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बढ़ जाती है वाटर बॉडी की एंड दिस इज नॉट गुड फॉर वाटर बॉडी इससे रिलेटेड ही एक 2012 के अंदर और भी सवाल आया था कि अगर ऑक्सीजन डिमांड सडन अगर डेथ हो रही है फिशिज की एक वॉटर uh, बॉडी के अंदर सडन डेथ हो रही है फिशिज की या uh, जो आपका एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है उसका सडन डेथ हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है तो यूट्रोफिकेशन वॉज वन ऑफ द रीजन सो अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है अब ये ऑक्सीजन डिमांड को हम कैसे चेक करते हैं ये हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ठीक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कि एक वाटर बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट बढ़ गया है डिके रेट बढ़ गया है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकेइंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर डिकम्पोजिंग इट एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीधी सी भाषा में ऑक्सीजन की डिमांड वाटर बॉडी के अंदर कितनी है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं उसको हम रेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है उस वाटर वाटर बॉडी में एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ के अंदर इज दिस क्लियर किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ और बीच बीच में बातें करते रहा करो यार दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक एंड वी इंटर विद ईच अदर ओके लाइव क्लासेस तभी uh, जो है की जाती हैं ताकि हम एक दूसरे से बातें कर सकें हम एक दूसरे को समझ सकें ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो पाए ऑल राइट ओके ऑल राइट गाइस नो लेटस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो दे ग्रो विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हाई एनर्जी दे हैव अ फर्मेंटेटिव मेटाबोलिज्म एंड रेस्पिरेटरी चेन दे ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मीडियम एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लो एनर्जी नन ऑफ दीज वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज ऑब्लीगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ऑब्लीगेट एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे ग्रो इन वट काइंड ऑफ सिचुएशन तो अगर आपको ऑब्लीगेट एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में एक हल्की सी भी हिंट है ना फिर तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो ठीक है एंड दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्लास की पी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं यू जस्ट हैव टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एंड इफ़ यूल सर्च ऑन टेलीग्राम केतन गर्ग अन अकेडमी केतन गर्ग अन अकेडमी तो आपको मेरा वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा केतन गर्गन अकेडमी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिल जाएगा वहां पर इस लेक्चर की पी फाइल जो है वो शेयर कर दी जाएगी प्रीवियस वालों की सबकी शेयर हो चुकी है इस वाली की भी कर दी जाएगी ठीक है आंसर यहाँ पर बेटा क्या होगा आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लो एनर्जी तो जो आपके ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना इनको बेचारों को ऑक्सीजन से दिक्कत होती है थोड़ी सी तो ये नॉर्मल अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आएंगे ना जहां पर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल रेंज के अंदर है ठीक है जहाँ पर ऑक्सीजन आपका जैसे आप लोग हवा में हो तो नॉर्मली ऑक्सीजन 22 टू 29 परसेंट अगर अवेलेबल है तो इस बैक्टीरिया को अगर आप वहाँ पर ले आए या इस एनारोब को आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर ले आए अपने रूम के अंदर ले आए सो तो दे विल अल्टीमेटली डाई क्योंकि अगर जहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन है दे कैन नॉट सस्टेन ओवर देयर ठीक है तो ऑक्सीजन टॉलरेंस देखो हर स्पीशीज के अंदर वेरी करती है यू गेटिंग getting पॉइंट point? विथ सम some species ऑफ सर्वाइविंग इन अप up एट परसेंट ऑक्सीजन while अदर्स लूज viability इन environment विद एन ऑक्सीजन concentration ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है तो ऑक्सीजन टॉलरेंस हर ऑर्गेनिज्म की अलग है अब जैसे हम लोग हैं हमें अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम तो गए खत्म हो जाएंगे सिमिलरली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि अगर उन्हें 0.5% से ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल हुआ तो अल्टीमेटली दे विल डाय एंड सिमिलर इज योर ऑब्लिगेट एनरॉब्स एंड ऑब्लीगेट एनरॉब्स बिकॉज दे आर यू नो एनारोबिक uh, बैक्टीरिया तो अपने को यहां पर ये एनारोबिक टर्म समझ के ही सम, uh, समझ में आ जाना चाहिए था हम दो टर्म्स देखते हैं ना एरोबिक और एनारोबिक ठीक है तो एनारोबिक से ही हमें अपने को ये वाला विदाउट ऑक्सीजन वाला तो समझ आ गया एरोबिक क्या होता है इन द इन एयर कंडीशन जहां पर फुलफिल एयर होती है ठीक है एंड एनारोबिक क्या होता है एनारोबिक होता है जहां पर आपका यू नो दैट इज विदाउट ऑक्सीजन वैक्यूम कंडीशन की हम बात करते हैं ठीक है तो ये दो चीजें यहां पर होती हैं ओके सो विदाउट ऑक्सीजन हो गया एंड अल्टीमेटली दे आर वेरी लो इन एनर्जी बहुत लो एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं दीज आर द ट्रेड ऑफ ऑब्लीगेट एनारोबिक बैक्टीरिया ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इट वॉज आज इन योर आई बी पी एस ए एफ ओ ट्वेंटी ट्वेल्व ओके ऑल राइट आरब शर, आरब शर्मा स्टूडेंट्स ठीक है कम है ज़्यादा है उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली काफ़ी बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हैं ठीक है क्योंकि आज की डेट में ऐसा होता है ना मल्टीपल जगहों पर क्लासेस चल रही होती हैं अन अकेडमी की प्लस क्लासेस भी चल रही हैं स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं यूट्यूब क्लासेस भी चल रही हैं उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी क्लासेस चल रही हैं और सेल्फ स्टडी भी करना होता है तो अल्टीमेटली बच्चे कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं कुछ बच्चे को अवेयरनेस नहीं होती है अनअवेयर होते हैं अभी कि ऐसा कुछ एग्रीकल्चर का यूट्यूब क्लासेज भी चल रहा है सो so डेफिनेटली बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे हमारा काम है पढ़ना हमारा काम है पढ़ाना चाहे एक बच्चा हो चाहे दो बच्चे हो अरब चाहे चार बच्चे हो चाहे चार सौ बच्चे हो चाहे चार हज़ार बच्चे हो आज मेरे चार बच्चे हैं तब भी मेरी उतनी एनर्जी रहेगी कल आप 400 बच्चे ले आना तब भी इतनी ही एनर्जी रहेगी एनर्जी के अंदर आपको कमी नहीं दिखेगी बढ़ जाए शायद क्योंकि कई बार जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है बढ़ जाए लेकिन कम तो नहीं होगी अगर चार के कल दो रह गए तब भी इतनी एनर्जी रहेगी ठीक है और अगर चार का शून्य हुआ तब भी इतनी एनर्जी रहेगी ठीक है चलो ऑल राइट right. नेक्स्ट आ जाओ बेटा विच इज मैसिंग सेट मैचिंग सेट ऑफ क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो मैच करता है ऑलरेडी आंसर यहाँ पर मार्क्ड है तो वो तो आपका अपॉर्चुनिटी अब गया कि आप इसको आंसर करो सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज मिलीपिट क्रैब सेंट्रीपीड एंड कॉकरोच क्या सिमिलैरिटी है बेटा इनके अंदर क्या कोई मुझे बता सकता है दट वॉट इज द सिमिलैरिटी इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स क्या सिमिलैरिटी है इनके अंदर अरब क्या सिमिलैरिटी दिख रही है इनके अंदर वट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन दीज ऑर्गेनिजम लग रहा है कोई सिमिलैरिटी है चलो ये सारे के सारे बेटा आपके आर्थ्रोपोड है ठीक है ये सारे आपके आर्थ्रोपोड में आएंगे वेरिएशन हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज आर्थ्रोपोर्ड और आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का एनिमिलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम इसको कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं वेरियस ठीक है ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड अगर आप टोटल अर्थ के ऊपर सौ स्पीशीज हैं तो उन सौ में से टू थर्ड टू थर्ड कितना हो गया बेटा अराउंड सिक्सटी सेवन परसेंट स्पीसीज आर्थरोपोर्ड्स की हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज आपकी आर्थरो की आ जाती हैं जिसके अंदर आपके सारे एग्जाम्स आ जा जा जाते हैं ठीक है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन bilaterally सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिप trip, triploblastic होते हैं सेगमेंटेड होते हैं एंड दे हैव कॉलोमेट एनिमल्स अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इट इज altogether अ वेरी बिग टॉपिक ओके नाउ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कवर्ड बाय बाइट एक्सोस्केलेटन एंड द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड बॉडीड्रॉक्स एंड एबडोम तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स थे अभी हमने पीछे देखे इनके अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जॉइंट अपेंडेजिज होते हैं सो uh, आर्थ्रोपोडा so, का अगर आप मीनिंग देखो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा इज फॉर अपेंडेजिज तो वहीं से आपका ये टर्म आर्थ्रोपॉड जो है हैज बीन डिराइव्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स ट्रैक्यल सिस्टम ये सब रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीने आइज स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन ये सारे इनके अंदर प्रजेंट होंगे एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स दे आर मोस्टली डाइशियस ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनके अंदर एंड मोस्टली ओवीपेरस होते हैं डेवलपमेंट जो है इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं जैसे आपके एपिस हनी बी बॉम्बेक्स जो आपका सिलवाम सिल्क वाम होता है अब वो डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी तो उसमें एपिस आ जाएगा बॉम्बेक्स सिल्क वाम लेसिफो जो आपका लैक लाक इंसेक्ट जिसको आप बोलते हो कुछ इंपॉर्टेंट वैक्टर्स हैं जिसमें आपके एनोफिल्स क्यूलेक्स और एडिस आ जाते हैं एडिस बेसिकली ये आपका वो है जो आपको मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू वगैरह सब फैलाता है ग्रिगेरियस पेस्ट में आपका एक तो लोकस्ट आ जाता है जो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एंड लिविंग फॉसिल में लाइमुलस या किंग ग्रैब आ जाता है तो अगर आपसे कोई पूछ ले दैट विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल तो उसके केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा लाइमुलस हो जाएगा ये डायरेक्टली हमने एन सी आर टी से आ, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पिकअप की है सो डेफिनेटली एन सी आर टी की जो नॉलेज होती है वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे विच टेक्निक्स आर यूज इन एसेइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ओके तो सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए एसेइंग का एसेइंग का क्या मीनिंग होता है देखो क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है ठीक है तो जो लोग हिंदी के अंदर जा रहे हैं पेपर देने तो हिंदी वालों के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वर्ड इस तरह के होते हैं ठीक है सो एसेइंग क्या होता है एसेइंग इज डिटरमाइनिंग द क्वालिटी डिटरमाइनिंग द क्वालिटी बेसिकली आप क्वालिटी चेक कर रहे हो ठीक है एस का क्या मतलब होता है डिटरमाइनिंग द क्वालिटी अगेन आईबीपीएस का सवाल है तो आईबीपीएस में पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है ठीक है जी सो विच टेक्निक इज एस इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑप्शन ए पेज बी फ्लो साइटोमेट्री सी एचपीएलसी डी इज साइंटिलेशन काउंटर एंड ई इज नन ऑफ दी अब नाउ वॉट विल बी द आंसर इन दिस केस गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बिली बी फ्लो साइटोमेट्री फ्लो साइटोमेट्री इज द राइट आंसर जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को uh, की क्वालिटी को बेसिकली चेक करने में हेल्प करता है ठीक है सो लेबोरेटरी मेथड है जो डायरेक्टली डिटेक्ट आइडेंटिफाई और काउंट कर सकता है स्पेसिफिक सेल्स को ठीक है ये पर्टिकुलर कॉम्पोनेट्स को भी चेक कर लेता है विद इन अ सेल दैट इज वाई वो ये चेक कर सकता है कि एक पर्टिकुलर सेल में किस टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही हैं और किस टाइप की नहीं हो रही हैं ठीक है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड और मार्कर्स कॉल्ड एंटीजेंस ऑन द सेल सरफेस तो ये जो फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट होता है ये एंटीजेंस के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली अपनी टेस्टिंग करने के लिए ठीक है एंड दिस इज इट फॉर फ्लो साइटोमेट्री देखो मैं कंटिन्यूसली आपके साथ यही बात करता हूँ कि आ, आप जब पेपर देने जाते हो ना तो पेपर किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए एक चीज यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कहाँ पर अपने आप को रोकना है और कहाँ पर किस चीज को और ज्यादा कवर करना है ठीक है क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो चार साल की बेटा डिग्री होती है एग्रीकल्चर के अंदर तो वो चार साल की डिग्री आप नहीं कर सकते पूरी की पूरी आ, ना टीचर आपको करा सकता है कि आप कहो कि सर जो चार साल एग्रीकल्चर और डिग्री की बात अगर मैं करूँ अब आई बी पी एस ए एफ ओ के अंदर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि बी एस सी जिन्होंने एग्रीकल्चर में किया सिर्फ वो एलिजिबल हैं उन्होंने बोल दिया कि बी एस सी एनिमल हस्बेंड्री वाले भी आ जाओ हॉर्टिकल्चर वाले भी आ जाओ ठीक है फूड प्रोसेसिंग वाले भी आ जाओ ठीक है मल्टीपल उन्होंने वहाँ पर ब्रांचिज दे दी तो अब हर की चार चार साल की पढ़ाई है हर हर स्ट्रीम की चार साल की पढ़ाई कैसे ना आप कर सकते हो ना कोई टीचर आपको दुनिया में करा सकता है ठीक है हर की छोड़ो सिर्फ अगर कोई आपको ये कह दे कि बीएससी एग्रीकल्चर की चार साल की पढ़ाई मैं तुझे एक महीने में करा दूंगा वो झूठ बोल रहा है या दो महीने में करा दूंगा वो दो महीने में भी झूठ बोल रहा है अल्टीमेटली ठीक है वो चीज हो ही नहीं सकती तो अपने आपको पता अपने को पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर अपने आप को रोकना है और कहाँ पे हमने अपने आप को जो है अ, डिटेल के अंदर जाना है या और ज्यादा गहराई के अंदर जाना है वो चीज चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर को क्रैक करने के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ टोटल कृषि विज्ञान केंद्रास कितने हैं इंडिया में बेटा 725 665, 765, 750 650 705 अभी रिसेंटली ना न्यूज आई थी उसमें उन्होंने क्या बोला सरकार ने क्या बोला सरकार कहती है कि हम ना हर रूरल एरिया के अंदर हमारा एम है कि हम रूर, हर रूरल एरिया के अंदर एक केवी के खोलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र खोलेंगे ये ना ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं ठीक है जब ये 2012 में क्वेश्चन आया होगा तब इसका आंसर कुछ और था लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंटली 2021 की आज की आज कितने केवी के हैं तो आज की डेट में जो केवी के हैं सात नहीं है अभिजीत सात बहुत ज्यादा हो गए अभी जो प्रेजेंटली आपके केवी केज हैं दैट इज सेवन ट्वेंटी फाइव अभी प्रेजेंटली आपके सेवन ट्वेंटी फाइव कृषि विज्ञान केंद्राज हैं एज ऑफ टूडे लेकिन ये आप देख सकते हो कि अब जब आपका जब तक पेपर होगा ना कि आपका दो चार पांच के वी के और खुल जाएं तो इसके लिए यू हैव टू मॉनिटर योर करंट अफेयर्स वेरी रेगुलरली ठीक है इसके ऊपर करंट अफेयर्स के ऊपर नजर रखना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल क्लासेस में मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ कल भी सुबह कल शा कल रात को भी साढ़े नौ बजे क्लास हुई थी आज सुबह ग्यारह बजे भी दो घंटे की क्लास हुई थी आज शाम को फिर एक घंटे की क्लास होगी साढ़े नौ बजे तो अल्टीमेटली क्लासेज uh, बहुत ज़्यादा कंडक्ट हो रही हैं अब आपकी एग्रीकल्चर का आप ये लगा लो एग्रीकल्चर का एक महीने में मैं अगर मेरी सारी क्लासेस को मिलाता हूँ प्लस क्लासेस को भी स्पेशल क्लासेस को भी और यूट्यूब क्लासेस को भी तो मिनिमम आपको मैं आप लगा करके चलो फोर्टी टू फिफ्टी आर्स का कंटेंट फोर्टी टू फिफ्टी आर्स का कंटेंट जो है हर महीने आपको दिया जा रहा है फोर्टी टू फिफ्टी आवर्स का कंटेंट अभी तक मैं अराउंड वन ट्वेंटी वन थर्टी आवर्स का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर अक्टूबर और नवंबर में हम बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ठीक है अब यहाँ पर और कंटेंट कवर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बेटा काफी हेल्प आपको इसके अंदर मिलने वाली है डेफिनेटली तो जरूर इनको जो है करें आप चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा वेयर इन द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मोस्ट इंटेंस रॉक्स की केमिकल वेदरिंग सबसे ज्यादा किस रीजन में होगी ठंडे इलाके में सेमी एरिड और एरिड एरिया में मेडिट्रेनियन रीजन में या ह्यूमिड रीजन में ये क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर कुछ थोड़ा कन्फ्लिक्ट है चलो फिर भी ट्राई टू आंसर इट वट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगी सबसे ज्यादा अगेन आईबीपीएस नहीं आईबीपीएस बारह का क्वेश्चन नहीं है आ, ये आ, जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन का एक पेपर होता है उस, उसका सवाल है बी एच यू का सवाल है ये ठीक है सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ह्यूमिड रीजन ह्यूमिड रीजन्स के अंदर यानी कि जहां पर आपकी अगर मैं हिंदी में बोलूं क्या ज्यादा है मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है ठीक है जहां पर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है जहां पर आपकी नमी ज्यादा है नमी ज्यादा है तो वहां पर डजायर सी बात है हीट भी ज्यादा होगी अल्टीमेटली ठीक है एंड ये दो फैक्टर्स जो हैं दे फास्टन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फास्टन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स ओके सो इसी वजह से आपकी जो केमिकल वेदरिंग अगर रॉक्स की सबसे ज्यादा किसी रीजन में होगी सो दैट रीजन विल बी योर ह्यूमिड रीजन ह्यूमिड रीजन के अंदर सबसे ज्यादा होती है एंड कोल्ड रीजन के अंदर अगर सिमिलरली यहां पर मैं बोल दू लीस्ट इंटेंस लीस्ट इंटेंस अगर मैं टर्म यूज यहां पर कर देता लीस्ट इंटेंस टर्म अगर मैं यहां पर यूज कर देता तो लीस्ट इंटेंस में मेरा आंसर आ जाता कोल्ड रीजन्स क्योंकि कोल्ड रीजन्स के अंदर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो सबसे कम हो जाता है तो लीस्ट इंटेंस कहां पर होगा बेटा लीस्ट इंटेंस होगा आपके ठंडे इलाकों में और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर होगी ह्यूमिड रीजन्स में ठीक है डेजर्ट रीजन्स में भी नहीं होती है अब आप कह दोगे आप इसको सिर्फ हीट के साथ नहीं रिलेट कर सकते अब अगर यहां पर ह्यूमिड रीजन और डेजर्ट रीजन दोनों होता है ऑप्शन में तब भी आप ह्यूमिड रीजन ही करते क्योंकि डेजर्ट रीजन जो होता है वहां पर अगेन ड्राइनेस होती है वहां पर ह्यूमिडिटी कंटेंट नहीं होता ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन जो या केमिकल वैदरिंग जो है वो अल्टीमेटली आपके ह्यूमिड रीजन में ही ज्यादा होगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज बाय अ वायरॉयड इनमें से कौन सा डिजीज एक वायरॉइड से होता है ओके बंची टॉप ऑफ बनाना टोमेटो बंची टॉप पपाया रिंग स्पॉट लीफ रोल ऑफ पोटैटो या नन ऑफ दी अबव इनमें से कौन सा आपका इन्फेक्शन है जो एक वॉयरॉयड से होता है सिंपल क्वेश्चन है अगेन आपके बी के पेपर में से ये क्वेश्चन जो है पिकअप किया गया बंची टॉप ऑफ बनाना टोमेटो बंची टॉप पपाया रिंग स्पॉट लीफ रोल ऑफ पोटैटो और नन ऑफ दब एंड द राइट आंसर इन दिस केस माय फ्रेंड्स विल बी योर टोमेटो बंची टॉप ये वॉयरोड है ठीक है ये एक वॉयॉइड इन्फेक्शन है और बाकी के जो आपके हैं ये सारे ऑल दिस ये क्या है ये वायरस इन्फेक्शन है ठीक है अब वायरॉयड और वायरस के अंदर डिफरेंस होता है कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कहते हैं कि सर वायरस को ही वायरॉयड कहते होंगे वायरस और वायरोड के अंदर जो है एक डिफरेंस आ जाता है वायरॉयड क्या होते हैं स्मॉल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं सर्कुलर आर होते हैं और इन्फेक्शियज होते हैं वायरसेस जो होते हैं ना आपके वायरस और वायरॉयड के अंदर डिफरेंस क्या होता है एक तो आपका वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है दूसरा जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कोटिंग होती है लेकिन के अंदर देयर विल बी नो प्रोटीन कोटिंग ठीक है ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है वायरसेस के अंदर देयर इज अ प्रोटीन कोटिंग एंड वॉयराइड्स के अंदर देयर इज नो प्रोटीन कोटिंग ये सबसे मेजर डिफरेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है वायरॉइड्स जो होते हैं आपके ये मेनली प्लांट्स को इंपैक्ट करते हैं ये ह्यूमंस को इम्पैक्ट नहीं करते या दूसरे एनिमल्स को इंपैक्ट नहीं करते हैं ये प्लांट्स को इंपैक्ट करते हैं दूसरी तरफ जो आपके वायरसेस होते हैं वो आपके प्लांट्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं वो आप ह्यूम्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं वो बाकी के एनिमल्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं तो ये भी एक वायरस और वायरोड के बीच में डिफरेंस है कि ये किसके ऊपर अटैक कर सकते हैं ठीक है तो मेनली जो आपके वायरॉइड होते हैं ये आपको प्लांट्स के एनजीओ स्पर्म्स में मिलेंगे एंड ज्यादातर जो

फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाइन ये क्राउडीनेस एक क्रिएट कर देता है उनको बहुत क्लोज कर देता है चिपक जाती हैं एक तरह से लीव्स एक दूसरे से जिससे अल्टीमेटली लीव ग्रोइंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है ठीक है फ्लावर्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली ओके okay, तो ये बंची टॉप ऑफ टोमेटो होता है आपका अब देखो सिमिलर क्वेश्चन जो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं उसी के ऊपर मैं यहाँ पर राकेश क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो चीज ऑलरेडी समझा चुका हूं अब मुझे यहाँ पर आपका आंसर चाहिए ठीक है ये भी क्वेश्चन आया था बीएचयू के उसी पेपर में वॉयराइड consists of DNA, RNA, DNA plus protein coat, RNA plus protein coat या none of the above. अब तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा क्योंकि बेटा मैं समझा चुका हूं आपको क्या होता है वॉयरयड क्या होता है बेसिकली अभी मैंने आपको दिखाया ना वायरॉइड क्या होता है राकेश अवजी अभिजीत अब तो आंसर आपका आना चाहिए बेटा फटाफट से अब तो क्वेश्चन को आसान कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उस चीज को समझ चुके हैं के अंदर क्या होता है आंसर मैंने अभी आपको दिखाया था फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो गलत बात है यहां पर देखो अब यहां पर देख करके आंसर करो एटलीस्ट इसको देख करके आंसर करो एटलीस्ट ये एक्सप्लेनेशन सामने है अब इसको देख करके तो आंसर करने की कोशिश करो सी आप कह रहे हो सी सी कैसे होएगा बेटा सी कैसे होएगा? सी में लिखा है अब वॉय कंसिस्ट ऑफ पूछा है बेटा वॉयरयड में क्या होता है वॉयरायड में क्या नहीं होता ये नहीं पूछा वॉयरॉयड में क्या होता है ये पूछा है जो चीज समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें वॉयराइड आर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आर एन ए आप डीएनए बोल रहे हो यहां पर क्लियरली मैंने बताया कि आर एन ए होता है आप डीएनए बोल रहे हो सर्कुलर आर एन ए होता है वायरसेस में प्रोटीन कोटिंग होती है लेकिन अनलाइक वायरसेस यानी कि वायरसेस से अलग होकर के इनके पास कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती तो सी तो इसका आंसर बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ऑप्शन में तो लिखा है डीएनए प्लस प्रोटीन कोट सी नहीं इसका आंसर हो सकता डी में लिखा है आर एन ए प्लस प्रोटीन कोट डी नहीं इसका आंसर हो सकता ठीक है वायरॉइड में डीएनए भी नहीं होता वॉयरॉय में आपका आर एन ए होता है इतना सिंपल सा सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए था बेटा ये जो चीज अभिजीत जो चीज समझ गई समझ गए या तो उसको दोबारा पूछो ठीक है या तो दोबारा उसको पूछो कि नहीं सर समझ में नहीं आया अगर ये अगर हम आगे बढ़ गए और आपने कहा समझ आ गया है और मैंने आपसे सवाल पूछा फिर आप कहते हो कि नहीं सर अभी याद नहीं हुआ तो वो गलत बात है बेटा मैं उस तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स में से नहीं हूँ कि आए क्लास लिए और चले गए अल्टीमेटली मैं तो एक एक बच्चे का हाथ पकड़ लेता हूँ ठीक है हाथ पकड़ के बिठा लेता हूँ हाँ समझ रहे हो और ये शायद गुण हमारे अंदर इसीलिए हैं क्योंकि हम ऑफलाइन टीचिंग से निकल करके आए हैं ठीक है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है तो हमें पता है कि हाँ बच्चे को पकड़ के नहीं बिठाएंगे तब तक तब तक वो आप लोगों को हम पकड़ नहीं पाते सही से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो मैं पकड़ नहीं पाता अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में होते ना अभी तक तो मैंने आपको पकड़ लिया होता अच्छे से पकड़ लिया होता है नॉट इन अ नेगेटिव सेंस की कुछ वैसा लेकिन फिर याद करा करके ही भेजते हैं घर उससे पहले घर नहीं भेजते चलो ठीक है बेटा आ जाएगा टेंथ का आंसर इनमें इन से से कौन से दो नए ऑर्डर ऐड हुए थे यूएस में 1975 के बाद इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है बेकार क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर पूछे जाने के चांसेस कम है बी एच यू में आया था तो आपको यहाँ पर दे दिया यानी कि लेटेस्ट एडिशन सॉइल ऑर्डर के अंदर कौन से दो टाइप ऑफ सॉइल की है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा एंडी सॉल्स एंड जेली सॉल्स ये लेटेस्ट एडिशन थे यू एस सॉइल टेक्सोनॉमी में तो ये बेसिकली यू एस सॉइल ऑर्डर्स हैं जिसमें आपके एंटी सॉल्स आ जाते हैं सबसे पहले सॉल्स डी सॉल्स यूटी सॉल्स जली सॉल्स और एंडी सॉल्स और आपके लेटेस्ट कौन से हैं ये वाले दो ये वाले दो सबसे बाद में एड हुए हैं इस यू एस टेक्सोनॉमिक ऑर्डर में तो एंटी सॉल्स जो होते हैं आपके ठीक है बेसिकली ये इंसेप्टिस सॉरी जो एंटीसॉल्स होते हैं आपके ये लिटल होते हैं और हॉरिजन डेवलपमेंट होते हैं एरिडिस जो हैं ये आपके एरिड क्लाइमेट के सॉइल्स होते हैं ऑल्फिस आपके फॉरेस्ट डेजिडियस फॉरेस्ट के सॉइल होते हैं ये पूछ सकता है बेटा ये हर एक क्वेश्चन है तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह ये बारह क्वेश्चन है बेटा जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ठीक है दीज आर ट्वेल्व क्वेश्चन फॉर यू ईच ऑफ विच कैन बी डायरेक्टली आस्ड फ्रॉम यू इन टू योर एग्जामिनेशन तो इसको बिल्कुल भी हल्के में आप लेना मत अगर ले रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं ठीक है और जब कल की क्लास होगी ना अगर कल की क्लास में सेम बच्चे आएंगे ये क्लास आपकी डेली चलने वाली है अब ठीक है संडे को एक आधी छुट्टी छोड़ करके सैटरडे या संडे छोड़ करके डेली चलेगी ये क्लास एंड जो चीज़ पिछले दिन कराऊंगा ना मुझे नाम याद हो जाते हैं एक बात ये भी समझ लेना अभिजीत और राकेश अब मुझे आप आज दो बच्चे दिख रहे हो तो मुझे पता है कि ये दो बच्चे हैं और कल जब आप आओगे तो आप ये बहाना भी नहीं लगा पाओगे कि सर हम तो थे नहीं हमारी तो पहली क्लास है तो अल्टीमेटली याद होने चाहिए कल पूछूंगा इनमें से सवाल एंटी सॉल्स बहुत कम होते हैं ये और हॉरिजन डेवलपमेंट के अंदर मेनली ये रोल प्ले करते हैं एरिडी सॉल्स आपके एरिड क्लाइमेट के सॉइल हैं ऑल्फी सॉल्स आपके डेजिडियस फॉरेस्ट के सॉइल्स हैं यूल्टी सॉल्स वो सॉइल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटेंसिव वेदरिंग जो है वो हो चुकी होती है जेली सॉल्स आपके परमा फ्रॉस्ट रीजन के अंदर सॉइल परमाफ्रॉस्ट रीजन के सॉइल्स हैं बेसिकली परमा फ्रॉस्ट रीजन कौन सा होता है जहाँ पर आपका जो सॉइल सरफेस होता है वो फ्रॉस्टिड uh, रहता है बेसिकली जो ठंडी जगह है वहाँ पर फ्रॉस्टेड रहता है उसको हम परमा कहते हैं एंडी आपके वॉल्कैनिक uh, मटीरियल के सॉयल्स हैं इंसेप्टिस्स आपके जहां पर हॉरिजन डेवलपमेंट की बिगनिंग होती है मॉलिस आपके सॉफ्ट ग्रासलैंड लैंड सॉइल्स हैं स्पॉडोसॉल्स जो है वो आपके एसिडिक और कॉनिफरस फॉरेस्ट के सॉइल्स हैं ऑक्सीसॉल्स ये एक्सट्रीमली वेदर्ड सॉयल्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के <coughs> ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो रेनफॉल का फिनोमिनल होता है उसकी वजह से जो है ऑक्सी जो ट्रॉपिकल रीजनस है वहाँ पर सॉइल वेदरिंग जो है वो काफी ज्यादा होती है ठीक है उसके बाद हिस्टोसॉल्स हिस्टोसॉल्स आपके सॉइल जो ऑर्गेनिक मटेरियल से फॉर्म होते हैं एंड फाइनली और सॉल्स, दिस इज श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग क्ले सॉइल्स ठीक है जैसे आपके ब्लैक सॉइल टाइप के जो सॉइल्स होते हैं वो आपके सॉल्स के अंदर आ जाते हैं हर एक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज क्लासिफाइड एज और डिस्क्राइब्ड एज डेसिड्यूस फॉरेस्ट सॉइल ये दे, दे देगा ऑप्शन के अंदर कि डेसिड्यूअस फॉरेस्ट सॉइल इनमें से किसको डिस्क्राइब करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी ई फॉर एग्जाम्पल ये दे, दे देगा ये ऑप्शन एल्फीसॉल्स ए हो गया यूल्टीसॉल्स बी हो गया जेलीसॉल्स सी हो गया एंडी सॉल्स डी हो गया ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव हो गया या क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है दैट एल्फीसॉल्स इज वट काइंड ऑफ सॉइल ठीक है उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि भैया एरिड एरिया का सॉइल है डेजिडियस फॉरेस्ट का सॉइल है वेदर्ड सॉइल है परमा फ्रॉस्ट सॉइल है ठीक है तो क्वेश्चन हर तरीके से बेटा पूछे जा सकते हैं ओके ऑल राइट थैंक यू वेरी मच अभिजीत एंड अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है या आप मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ आ रही हैं तो प्लीज सेशन को शेयर भी जरूर करें अभी आप कुछ देर पहले आप ही बोल रहे थे कि सर बच्चे कम हैं तो ये बच्चे आप बढ़ाएं ठीक है अपने टीचर को एंकरेजमेंट जरूर प्रोवाइड करें बाय ब्रिंगिंग एंड शेयरिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू द क्लास ठीक है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बेटा व्हेन देर आर मोर स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली वी आल्सो लर्न मच मोर ठीक है ज्यादा सीखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बच्चा हमें बताएगा एंड हम जरूर उसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आ जाओ विथ सॉइल फेवर्स मैक्सिमम एमोनिया वॉलिटिलाईजेशन लॉसेज ऑफ फर्टिलाइजर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन ठीक है कैन यू सी माई कमेंट या राकेश आई कैन सी दैट इससे पहले आपने अभी सिर्फ आंसर किया था आर एन ए वाला उसके बाद आपका ये आ, कमेंट आया आपने कोई डाउट बीच में पूछा है क्या ठीक है तो मैक्सिमम एमोनिया वॉलिटिलाईजेशन फर्टिलाइजर का किस सॉइल में होता है एसिडिक वाटर लॉग्ड सोडिक सेलाइन और नन ऑफ दी अबव ओके कौन से सॉइल के अंदर मैक्सिमम अमोनिया वॉलीटलाइजेशन होता है तो वॉलिटलाइजेशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो क्या होता है तभी आप अमोनिया वॉलीटलाइजेशन नहीं अगर पता है तो आंसर कर ही नहीं सकते हो ठीक है सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन बी वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर अमोनिया वॉटल वॉलिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है अब ये अमोनिया वॉलीटलाइजेशन क्या होता है बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होता है जो सॉइल सर्फेस में इट टेक्स प्लेस इसके अंदर बेसिकली होता क्या है जो अमोनियम यूरिया या अमोनियम यू, कंटेनिंग जो फर्टिलाइजर्स हैं जो अमोनियम कन्वर्ट होगा वो बेसिकली काफ़ी फास्ट स्पीड के ऊपर अमोनियम अमोनिया गैस बन जाता है तो अल्टीमेटली आपके सॉइल को वो न्यूट्रियट मिलता ही नहीं है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा एंड दिस हैपन्स वेन योर पी एच इज़ हाई ठीक है तो जो वाटर लॉकड सिचुएशन होती है ना उसके अंदर आपका पीएच कंपैरेटिवली हायर होता है जिसकी वजह से आपका जो अल्टीमेटली एमोनिया वॉलीटलाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होता है अब आप कहोगे कि सर सोडिक सॉइल और सेलाइन सॉइल uh, के अंदर ऐसा आप क्यों नहीं कह रहे क्योंकि जब आप कह रहे हो कि पी इंक्रीज होता है ठीक है तो वाटर लॉकडल के अंदर बेसिकली बेटा प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर ना देर इज अ सडन इंक्रीज ऑफ पी ठीक है एकदम से हाई पीएच होता है जो सोडिक सॉइल्स हैं या जो आपके सेलाइन सॉइल्स हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी काफी हाई सेलिडिटी है ठीक है लेकिन वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर देर इज अ सडन इंक्रीज ऑफ सॉल्ट कंटेंट जैसे जैसे वो वाटर का इवेपोरेशन होगा ठीक है एंड इसको आप अवॉइड कर सकते हो वैसे अगर आप सॉइ जो फर्टिलाइजर है उसको सॉइल सरफेस पे अप्लाई ना करके थोड़ा सा शेलो डेप्थ के अंदर जाकर के उसको अप्लाई करोगे तो ये एमोनिया वॉलिटलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरा वाटर वॉटरलॉक्ड सॉइल के अंदर ही क्यों एमोनिया वॉलेटलाइजेशन होता है क्योंकि फर्टिलाइजर कन्वर्जन जो है वो वाटर लॉक्ड सिचुएशन के अंदर इट इंक्रीजेस जिसकी वजह से क्विक कन्वर्जन जो है वो वाटर वॉटरलॉकड सॉइल के अंदर रहती है पीएच हाई होता है एसिडिक का तो पीएच लो होता है राकेश तो वॉलेटलाइजेशन आपकी एसिडिक कंडीशन में नहीं आपकी बेसिक कंडीशन के अंदर होती है यानी कि जब आपका पीएच हाई होता है ठीक है बेटा चलो नाउ लेटेस्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज विच वन इज द मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप टू सॉइल सॉडिसिटी ठीक है इनमें से सबसे ज्यादा सॉडिक सॉइल को कौन टॉलरेट कर सकता है कौन सा क्रॉप टॉलरेट कर सकता है ठीक है मेन एजेंडा मेरा यहां पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का नहीं था ठीक है आंसर तो इसका राइस है तो मेन एजेंडा मेरा यहां पर क्या है मेन एजेंडा है सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट को डिस्कस करने का ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा राइस है लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस क्या करना है मेनली जो सॉयल रिलेटेड वेरियस कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे पास अराउंड इलेवन कंस्ट्रेंट्स आते हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉयल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में तो सबसे पहले तो सेलाइन सेलाइन सॉडिक और सॉडिक सॉइल्स uh, आपके जो होते हैं इनका पीएच आपको पता होना चाहिए ठीक है डिफरेंस क्या होता है इनके पीएच में बेसिकली जो आपका सेलाइन और सेलाइन सोडिक सॉइल होता है ना इनका पीएच 8.5 से कम होता है ठीक है यानी कि 7.5 से लेकर के 8.5 की रेंज में होता है बेसिकली लेकिन जो आपका सोडिक सॉइल होता है ना इसका पीएच 8.5 से भी ज्यादा होता है ठीक है तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर सेलाइन सॉइल क्या हुआ और सोडिक सॉइल क्या हुआ तो सेलाइन सॉइल और सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर 8.5 से कम का पीएच है सेवन 7...

तो सेलाइन सॉइल जो है हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है इनके अंदर जिससे क्रॉप ग्रोथ इफेक्ट होती है ठीक है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज मोर देन फोर एंड प्रोविजन ऑफ लेटरल एंड मेन ड्रेनेज चैनल्स ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर डीप एंड फोर्टी सेंटीमीटर वाइड एंड लीचिंग ऑफ सॉल्ट कुड रीक्लेम द सॉइल तो अल्टीमेटली अगर आपको इन रीजन में सॉइल को रीक्लेम करना है तो आप बेसिकली आपको क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप ड्रेनेज चैनल्स बनाएं जो अराउंड सिक्सटी सेंटीमीटर डीप और 40 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए जिससे अल्टीमेटली जो आपके सॉइल का सॉल्ट है आप उसको लीच कर सको ठीक है आप उसको सॉइल से फ्लश आउट कर सको अपनी फील्ड से फ्लश आउट कर सको ठीक है ओके उसके अलावा आप फार्म मेन्योर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हो एट अराउंड फाइव टन हेक्टेयर्स ओके दस से पंद्रह दिन पहले ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पेडी क्रॉप के केस में ठीक है एंड बिफोर सोइंग इन द केस ऑफ गार्डन लैंड क्रॉप्स कैन एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ सेलिनिटी तो अगर आप फार्म यार्ड मेन्यर का इस्तेमाल कर रहे हो एट दिस पर्टिकुलर रेट एंड दैट टू टेन टू फिफ्टीन डेज पहले अगर आप राइस ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो तो वो आपको आपके सेलाइन सॉइल्स को रिक्लेम करने में हेल्प करेगा ठीक है अब आपके जो सोडिक सॉइल होते हैं इसके अंदर आपको प्री डोमिनेंस मिलती है सोडियम की ठीक है जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट होता है वो फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा होता है और पीएच 8.5 से ज्यादा होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ, आ जाते हैं पेपर के अंदर कि सोडिक सॉइल के अंदर जो सोडियम पर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो कितने परसेंट से ज्यादा होता है ठीक है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है एंड योर आंसर विल बी इट इज मोर देन फिफ्टीन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट बिना किसी झिझक के ठीक है रिक्लेम अगर करना है सोडिक सॉइल को तो अल्टीमेटली प्लॉ करो सॉइल को एट ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर जिप्सम रिक्वायरमेंट जिप्सम को अप्लाई कर सकते हो इंपाउंड वाटर प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज ताकि आप अल्टीमेटली सॉल्ट को लीच आउट कर सको ठीक है ग्रीन मेन्यूर को आप अप्लाई करें एट अराउंड फाइव टन पर हेक्टेयर दिस कैन हेल्प यू टू क्लेम रीक्लेम योर बेसिकली द सॉडिक सॉयल ओके ऑल राइट गाइज नेक्स्ट आ जाता है बेटा एसिडिक सॉइल्स आपके जो विच इज एनदर प्रॉब्लमेटिक सॉइल फॉर यू ठीक है तो इसके अंदर आपका जो एसिडिक सॉयल्स होते हैं इसके अंदर एसिडिक सॉयल्स आर करैक्टराइज बाय लो इन पी छः से जनरली अगर पीएच कम होता है तो हम एसिडिक सॉयल्स उनको बोलते हैं इनके अंदर आपको एच प्लस और एल्यू ए एल थ्री प्लस आयंस जो है उनका प्रीडोमिनेस मिलता है और डेफिशिएंसी किन न्यूट्रिएंट्स का होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपसे डायरेक्टली पेपर के अंदर वो पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन केस ऑफ सॉइल एसिडिटी तो उसमें आपका फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम मोलिबडेनम एंड बोरॉन ये आपके जो न्यूट्रियट्स हैं ये डेफिशिय बेसिकली uh, uh, हो इसमें आपका सॉइल डेफिशियंट होगा अगर आपके सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है ठीक है ऑल राइट ये Uh, कुछ तमिलनाडु के रीजनज हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अल्टीमेटली ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना ये मैं आपको सोर्स बता देता हूँ आई हैव टेकन फ्रॉम एग्री टेक डॉट टी एन ए यू जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो वहीं से आपके लिए ये इन्फॉमेसन पिकअप की है तो कहीं पर अगर तमिलनाडु स्पेसिफिक पॉइंट गलती से यहाँ पर आ गया है तो उसको इग्नोर कर देना है ठीक है, लाइम को आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अपने एसिडिक सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या एसिडिक एसिडिकॉइल्स को आप फिट फॉर एग्रीकल्चर बनाना चाहते हो तो आप लाइम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसके अंदर अल्टरनेट अमेंडमेंट आप क्या यूज कर सकते हो डोलोमाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो बेसिक स्लैग फ्लू डस्ट वु पल्प मिल लाइम एंड इनको भी बेसिकली आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन सकता है मैं एक क्वेश्चन पर सैंपल दिखाता हूं तो आपकी आपको एक आइडिया रहे कि अल्टीमेटली एग्जामिनर किस तरीके से बात करता है अगर यहां पर मैं क्वेश्चन डाल दूँ डायरेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर रिक्लेमेशन Of soils. ठीक है ठीक है, अब ऑप्शन में दे दे ऑप्शन ए डोलोमाइट ऑप्शन बी बेसिक स्लैग ऑप्शन सी फ्लू डस्ट ऑप्शन डी वुड एश एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर अगेन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है उसके बाद आयरन एंड एलुमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके सॉइल में इसमें बेसिकली क्या होगा आपके एफ ई टू प्लस और ए एल थ्री प्लस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होगा और ये आपको फ्लडेड सॉइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसके अंदर भी आप लाइम को अप्लाई कर सकते हो ठीक है साथ ही साथ आप रिकमेंडेड डोज ऑफ़ एन पी के को अप्लाई करें एंड ऑर्गेनिक मेन्योर को अप्लाई करें जो अल्टीमेटली आपके आयरन और एल्युमिनियम आयन्स की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ठीक है जी राइट right, और राइस कल्टीवेशन के अंदर इसको बहुत अच्छे से आप मैनेज जो है अल्टीमेटली कर सकते हैं गिव मी अ सेकंड गाइस ठीक है बेटा नाउ नेक्स्ट इज फ्लफी पेडी सॉइल्स फ्लफी पेडी सॉइल्स आपके बेसिकली क्या होते हैं जैसे जिसको आप दलदली सॉइल बोलते हो ठीक है तो बल्क डेंसिटी काफी लो होती है टॉप सॉइल की इस केस में जिसकी वजह से फार्म एनिमल्स जो है वो सिंक हो जाते हैं जैसे दलदल के अंदर फंस जाते हैं ना जानवर ठीक है आप चल रहे हो उसके अंदर आपका नीज तक आप उसके अंदर पैर फंस गया आपका ठीक है तो इसके अंदर जो है पुअर एंकोरेज होती है पेडी सीडलिंग्स जो है वो भी प्रॉपरली यहाँ पर नहीं हो सकते हैं ठीक है अब अगर आपको इन सॉइल्स को रिक्लेम करना है तो उस केस में आप क्या करोगे 40 केजी स्टोन रोलर या ऑयल ड्रम विथ सैंड इनसाइड एट टाइम्स व्हेन द सॉइल इज इन अ सेमी ड्राई कंडीशन तो जब आपका सेल सैंड सेमी ड्राई कंडीशन के अंदर होगा ना तो आप स्टोन रोलर और ऑयल ड्रम्स का यूज करोगे एंड उसको वहां पर उसकी फिलिंग करोगे साथ ही साथ आप उसके अंदर लाइम जो है वो ऐड करोगे एट द रेट ऑफ 2 टन पर हेक्टेयर और ये आपको वंस करना पड़ेगा हर हर तीन साल में अगर आप अपने फ्लफी पेडीसॉइल्स को रिटेन करना चाहते हो ठीक है मेरे पास टाइम कम था इसीलिए आई कुड नॉट यू नो पुट द इमेजेस ओवर हेयर नहीं तो मैं आपके लिए इमेजेस भी यहां पर जरूर लगाता सैंडी सॉइल्स की अगर अब हम बात करें तो सैंडी सॉइल्स आर कंटेनिंग प्री डोमिनेंट अमाउंट ऑफ सैंड रिजल्टिंग इन हायर परकुलेशन रेट एंड न्यूट्रिएंट लॉस सैंडी सॉइल के अंदर आपका पर्कुलेशन रेट काफी हाई होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट होता है वो लीच बहुत ज्यादा कर जाता है ठीक है अब इसमें आप क्या कर सकते हो इसको रिक्लेम करने के लिए सॉइल कॉम्पैक्शन आप करें ठीक है अगेन आप स्टोन रोलर और ऑयल ड्रम्स का यूज करके सॉइल कॉम्पैक्शन uh, कर सकते हैं ठीक है जिससे आपका जो मॉइस्चर रिटेंशन लेवल है वो बढ़ेगा उसके अलावा टैंक सिल्ट इसके अंदर ऐड करें ठीक है लेकिन ये टैंक सिल्ट आप सिर्फ कोस्टल सैंडी सॉइल्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हो टैंक सिल्ट क्या होता है जो आपके टैंक बने होते हैं ना वाटर टैंक उनके आगे आजू बाजू सिल्ट जम जाता है ना जिसको की जो कीचड़ जैसा सिल्ट होता है उसको आप अल्टीमेटली ऐड कर सकते हो अल्टीमेटली अपने सैंडी uh, को रिक्लेम करने में उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके हार्डी पैन सॉइल्स ये बेसिकली रेड सॉइल्स में दे अक एंड दे अक इन एरियाज बिलो 15 सेंटीमीटर डेथ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्ले एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स एंड सेटलिंग एट शेलो डेप्थ प्रिवेंटिंग द रूट प्रोलिफरेशन तो अल्टीमेटली किस वजह से होता है हार्डी पैन क्योंकि क्ले और आयरन का परकोलेशन हो रहा है मूवमेंट हो रहा है एंड वो वहां जा करके अल्टीमेटली एक हार्ड पैन फॉर्म कर देंगे जिससे रूट प्रॉलीफरेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है इसको आप कैसे रिक्लेम कर सकते हो चेस्लिंग एक्टिविटीज से बाय यूजिंग अ चेसल प्लॉ एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फार्मयार्ड मेन्योर एंड कंपोस्टेड क्वायर प्लिथ ठीक है जिससे अल्टीमेटली आप इसको और ज्यादा लंबे समय के लिए रिक्लेम कर सकते हैं ये फाइल्स आपके पास रहेंगी बेटा इनको आप रीड कर लेना आराम से सारी चीज़ें बहुत क्लियरली इनके अंदर डिफाइंड है ओके उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सरफेस क्रस्टेड सॉइल नॉ दीज सॉइलिगेटेड सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स के इंपैक्ट से ब्रेक हो जाते हैं ठीक है अल्टीमेटली जिसकी वजह से क्ले क्रस्ट बनने शुरू हो जाते हैं वो सरफेस uh, के ऊपर ना क्ले आपका जो सॉइल होगा ना वो ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे क्ले के पत्थर बन गए हैं ठीक है जो मिट्टी के पत्थर होते हैं ठीक है और इससे क्या होता है जो क्ले पैंस होते हैं ये अल्टीमेटली आपके सीडलिंग्स के इमरजेंस में प्रॉब्लम करते हैं और फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होने देते सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में ठीक है अब इसमें आप क्या कर सकते हो हेरोइंग और कल्टीवेटर प्लॉक का इस्तेमाल करके इस जो क्रस्टेड सॉइल है इसको ब्रेक करोगे ठीक है साथ ही साथ आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप लाइम और जिप्सम का अगर इस्तेमाल करोगे तो उस केस में भी आप इस सरफेस क्रस्टेड सॉइल को जो है रिक्लेम कर सकते हो ठीक है और क्रॉप रेजिड्यूज को भी अगर आप रिटेन कर रहे हो क्रॉप रेजिड्यू को रिटेन करने से क्या फायदा होगा जैसे हमने कहा ना कि रेनफॉल से भी के इंपैक्ट से भी ये ब्रेक हो गया तो अल्टीमेटली वो रेजिड्यू जो है वो आपको उस इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करेगा ठीक है सो उन बेस में आप अल्टीमेटली अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड फाइनली आपका आता है हैवी टेक्सचर्ड क्ले सॉइल ओके नाउ द क्ले सॉइल्स आर कंटेनिंग मेजर अमाउंट ऑफ क्ले फ्रैक्शन रिजल्टिंग इन द पुअर परमेबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट फिक्सेशन ओके अब इन सॉइल को कैसे रिक्लेम करोगे रिवर सैंड को ऐड करो या फिर डीप प्लॉइंग इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी अगर आप हेवी टेक्सचर्ड क्ले सॉइल्स को रिक्लेम करना चाहते हैं ठीक है फाइनली लो परमियबल ब्लैक सॉइल्स इसके अंदर आप हंड्रेड कोट लोड्स ऑफ रेड लोम सॉइल को अप्लाई करेंगे डीप प्लॉइंग करेंगे और फार्म यार्ड मेन्योर को अप्लाई करेंगे फॉर यू नो इम्प्रूविंग द परमेबिलिटी ऑफ दीज ब्लैक सॉइल्स ताकि सॉइल जो है वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से मॉइस्चर को रिटेन कर सके ठीक है राइट right. उसके बाद आपके आ जाते हैं रेड इसके अंदर आप टैंक सिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो एंड डीप प्लॉइंग का इस्तेमाल कर सकते हो हाई परमीएबल रेड सॉइल्स को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए यू जस्ट गो थ्रू वंस इनको सबको रीड करना है पीडीएफ फाइल्स में से अगेन मैं बता रहा हूं केतनगर गन अकेडमी टेलीग्राम पर सर्च करोगे ठीक है वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पर आपके पीडीएफ फाइल्स जो है वो शेयर हो जाएंगे तो पीडीएफ फाइल को पढ़ लेना और फिर कल वाली क्लास में अगर इसमें से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना ओके नाउ फॉर टुडे गाइस दिस क्लास एंड्स एंड अगर किसी को अब यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं अदरवाइज विल एंड द लेक्चर एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज ऑन एनअकेडमी ठीक है तो के गर्ग फूड कोड जरूर यूज करें उसमें आपको टेन परसेंट मिनिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा ओके okay? चलिए हाँ जी बताइए क्या डाउट है राकेश बताइए बोलिए राकेश सात सौ पच्चीस हो गए हैं आप लेटेस्ट सात सौ पच्चीस हैं चेक कर सकते हो पीआईबी के ऊपर सात सौ पच्चीस मैंशनड है नाम तो मैंने भी नहीं चेक किए बेटा क्योंकि वो नाम वगैरह पूछता नहीं है पेपर में और इतने सारे नाम कौन याद करेगा लेकिन सात सौ पच्चीस हैं दैट इज अश्योर्ड डो नॉट वरी अबाउट दैट वो पक्का है आज स्पेशल क्लास होगी साढ़े नौ बजे याद कराना मेरे को मैं लिंक दे दूंगा आपको पीआईबी का जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि सात सौ पच्चीस के वी के हैं ठीक है थीके? आप उसके अंदर मेरी गारंटी ले सकते हो क्योंकि डायरेक्टली आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उसको मैंशन किया है ठीक है एनी अदर डाउट चलो ठीक है बेटा एक साढ़े नौ बजे भी आपका क्लास होगा अभी मैं टेलीग्राम के ऊपर अभी इसका लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में स्पेशल क्लास होगा तो जो वो प्रोटेक्टेड एरियाज और कंजर्वेशन की हम बात कर रहे थे ठीक है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साढ़े नौ बजे वाली क्लास में भी आज दो घंटे की ऑलरेडी उसके ऊपर क्लास देख चुके हैं एक घंटे की क्लास उसके ऊपर और देखेंगे ठीक है वहां पर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा राकेश ये पीआईबी वाला जिसके अंदर सेवन ट्वेंटी फाइव के वी केज में ठीक है थीके? चलो सो so, अभी के लिए क्लास एंड करते हैं दोस्तों एंड कल भी साढ़े तीन बजे आपका क्लास होगा प्लीज डू ज्वाइन दैट ओके सो टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड Bye-bye.